ये चार बच्चा देती है, ये चार बच्चा देती है। लगभग 2 लाख का लगभग बेचे थे, 2 लाख का पिछले साल बेचे थे। ये बच्चा है कल का। अच्छा, कल का बच्चा है, कल का बच्चा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। दोस्तों, आप हमारे पीछे जो देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार गोट फार्म है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इसका मैनेजमेंट किया गया है, बकरियों के खेलने वगैरह के लिए सब जगह है। दोस्तों, इसमें कुछ गायों का भी पालन किया गया है। एक देख सकते हैं इधर काफी संपन्न किसान है, पहले से ही मतलब खेती बाड़ी करते हैं और धीरे धीरे गोट पालन में आए हैं। 3 साल से लगभग बकरी पालन कर रहे हैं। अभी हम लोग बिहार के कैमूर में हैं, तो आज हमारे जो किसान हैं उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। मेरा नाम राजकुमार पटेल है जी, और गांव का नाम विलेज गौरा। अच्छा अच्छा, पोस्ट करमरी। अच्छा, थाना कुचला जी, जिला कैमूर, भभुआ। भभुआ, तो चलिए आपके फार्म के अंदर में चलते हैं और थोड़ा देखते हैं किस तरह से आप मैनेजमेंट किए हुए हैं। अभी आपके पास टोटल कितनी बकरियाँ हैं सर? अभी हमारे पास बकरी का संख्या है सब मिला के टोटल 30। सब मिला के टोटल 30 बकरियां हैं, लगभग लगभग 30 हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं ज़्यादातर आपके पास क्रॉस ब्रीड दिख रही है, इसमें मतलब देसी बकरियां कम दिख रही है। क्रॉस ब्रीड पे आप ज़्यादा काम करते हैं क्या? पहले मेरे पास संख्या था, स्टार्टिंग जब किए थे हम 18 से किए थे, 17-18 से किए थे जी, जी। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 95 हुआ। अच्छा अच्छा, 90-95 के लगभग, 90-95 तक पहुंच गया था। वहाँ पर पहुंचे, पहुंचने के बाद अपना छटैया कर दिए टोटल, 3.5 साल में हटा दिए। हटाने के बाद सब अपना जी यहीं रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जैसा कि दिख पा रहा है ये सब छोटा छोटा बकरी है, मतलब हाल फिलहाल में बच्चा वगैरह भी दिया गया? देखिए, हाल फिलहाल में बच्चा दिया हुआ है, ये है, ये ब्लैक बंगाल है, यानी देहाती बकरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लैक बंगाल जी, इसका बच्चा ये है, ये ब्लैक बंगाल है, और ब्लैक बंगाल का ये दो बच्चा दिया है जी। ब्लैक बंगाल का बच्चा, ये चार बच्चा देती है, ये चार बच्चा देती है। इस बार दो बच्चा है। अच्छा अच्छा, ये हो गया ब्लैक बंगाल का जी, और ये बच्चा है क्रॉस का। अच्छा, क्रॉस बकरी है। अच्छा, ये क्रॉस बकरी है जी। किससे क्रॉस करवाई है? इसी से, देहाती से। अच्छा, दूसरे बकरी से। अच्छा, और इसका ये बच्चा है कल का। अच्छा, कल का बच्चा है, कल का बच्चा है। अच्छा, तो उससे भी ज्यादा ये तगड़ा लग रहा है जी। ये हो गया 7 दिन का बच्चा, ये 7 दिन का बच्चा है जी। तो ये एक ही बच्चा दिया या दो दिया था? एक दिया है, एक दिया था। दूसरे बियात में है। अच्छा, दूसरी बियात में है, तो इससे काफी तगड़ा वो लग रहा है। वही ना कर रहे हैं क्रॉस के, यहाँ पर समझना है ना जी, जी। किसान को यही ना समझना है, थोड़ा क्लोज से बताइए, इसको समझाइए, बताइए क्रॉस ब्रीड और देसी ब्रीड में क्या अंतर। किसान को यही समझना है, ये देखिए नजदीक, ये हो गया 7 दिन का बच्चा जी, ये हो गया 1 दिन का बच्चा, ये हो गया 7 दिन का। दोनों को सामने खड़ा कीजिए, सामने खड़ा करिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये 7 दिन का हो गया और 1 दिन का हो गया, 1 दिन का बच्चा। और हाइट भी देख सकते हैं काफी, मतलब अंतर सब चीज में अंतर दिखाई देगा, मोटा में, हाइट में। अच्छा अच्छा, कलर में, देखने में। अच्छा, मात्र 1 दिन का बच्चा है जी। अच्छा, कल ही बच्चा दिया, इसका पोजीशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी की दूध कितना दे रही है? दूध अच्छा पी लेती है, इसके बाद हम गार्ड भी लेते हैं, 1 गिलास के लगभग, 1 गिलास के लगभग। अच्छा, उसका दूध कैसा है? इसका भी दूध सही है, ब्लैक बंगाल का भी ठीक है, दोनों पी के, दोनों पी लेते हैं, गारते नहीं उसको, इसको गारते हैं, इसको थोड़ा बहुत गार लेते हैं जी। अब देखिए ओरिजिनल में। अच्छा अच्छा, ये हो गया ओरिजिनल, ओरिजिनल सिरोही है क्या? सिरोही है ओरिजिनल। अच्छा अच्छा, ये कितने दिन का बच्चा है? कहीं से भी आप, ये हो गया आपको 7 दिन, ये भी हो गया। अच्छा, ये भी 7 दिन का बच्चा जी, इसका तो लेंथ काफी अच्छा है। हाँ, ये ओरिजिनल है ना? अच्छा, ओरिजिनल ब्रीड है। अब मिला लीजिए, देखिए ये ओरिजिनल जी और ये क्रॉस। अच्छा है, आइए हो गया। अच्छा, ये भी क्रॉस है, ये किसका क्रॉस है? ये उसका है। अच्छा, मतलब बर्बरी, बर्बरी का और सिरोही ब्लैक बंगाल का। अच्छा, बर्बरी और ब्लैक बंगाल का क्रॉस ए हो गया जी। ये कितने दिन का है? ये हो गया 4-5 दिन का, ये 4 दिन का है, और ये 7 दिन का बकरी जी, है जी। ये सिरोही का क्रॉस जी। है। अच्छा, दोनों में ज्यादा ग्रोथ किसका आपको लग रहा है? ग्रोथ तो इसका होगा, सिरोही का ज्यादा होगा। इम्प्रूव हुआ है ना, देखिए पहले हो गया देहाती जी, देहाती से इम्प्रूव हुआ, देहाती से थोड़ा बड़ा ये है क्रॉस, और इससे भी बड़ा है ओरिजिनल में, ये हो गया। अच्छा, सिरोही का सबसे बड़ा ओरिजिनल हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब क्रॉस ब्रीड बीच में काम जी, करता जी, है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि सिरोही यहाँ पर आप अपने फार्म पर खुद से तैयार कर रहे हैं जी, तो यहाँ पर मतलब सक्सेसफुल है, बीमारी वगैरह? बिल्कुल सक्सेसफुल, जैसे कि हम लोग शुरू में जो लाए थे जी, 4-3.5 साल पहले जी लाए थे, एक बच्चा, एक बकरी और एक बोका जी, तो एक जो ब्रीडर था उसको बेच दिए। अच्छा अच्छा, और अपना ब्रीडर तैयार कर लिए, अंदर चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा कि देख पा रहे हैं वो बकरी जैसे टॉयलेट कर रही है, थी गुलाबी टाइप के निकल रहा, क्या कुछ बीमारी वगैरह है क्या? नहीं, उसको? कल ये बच्चा दी है ना जी, तो कचरा निकालती है ना, इसको दवा दिए है ना। अच्छा अच्छा, कौन सा दवा दी? गिराने का, जैसे कल बच्चा, हेक्सा बार,
मतलब खेड़ी गिराने का दवा होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफी सारा दवा भी आप रखे हुए हैं, मतलब दवा को अच्छी जानकारी है क्या आपके पास? अब मान लीजिए अब इतना सारा जीव है तो रखना पड़ेगा, आप कितना डॉक्टर के पास घूमेंगे। अच्छा, ये सब बकरी किस नस्ल की है? सब क्रॉस है ये, ये सब क्रॉस है। ये बर्बरी और ब्लैक बंगाल का क्रॉस है, इसका बच्चा है। बर्बरी और ब्लैक बंगाल का क्रॉस है जी, वो भी अंदर चली गई। अच्छा, वो अंदर चली गई भी। अच्छा, बर्बरी और ब्लैक बंगाल का क्रॉस है। कितना दिन का बच्चा है ये? देखिए इसका कान देखिए, बर्बरी और ब्लैक, ये भी हो गया 4-7 दिन का बच्चा है। 7 दिन का बच्चा है जी। क्रॉस में, क्रॉस का ये देहाती का बच्चा मिला लीजिए। अच्छा, क्रॉस में भी दो बच्चा आराम से आ जा रहा है? दो देती है, तीन देती है। अच्छा, क्रॉस में भी दो तीन देती है। ये देखिए एक बकरी, एक ये नस्ल है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी अब नस्ल वाला है सब। अच्छा, जो अच्छा। जो भी 90 के करीब था मेरे पास जी, जो भी खराब, मतलब खराब का क्या कहिएगा, जो मतलब जो आपको अच्छा लगा वो आपने रख लिया। इंप्रूव करते गए, उसको हटाते गए, इंप्रूव करते गए, हटाते गए। अच्छा, अब ये सब बच्चे आए हुए हैं जी, तब इनको रखेंगे, अब इन लोग को हटा देंगे। अच्छा, इन लोग को अब धीरे धीरे हटा दीजिएगा, नए जो तैयार हो रहा है उसको रखिएगा। इसको रखेंगे अब, इसी से क्या है कि हमारा मकसद है कि जी क्रॉस करना, एकदम ओरिजिनल में लाना, ओरिजिनल ओरिजिनल ब्रीड पे काम करना, उसमें आ जाएगा। जैसे कि इसका बच्चा ये हुआ, अब इसको हटाने के उसको रखेंगे। अच्छा, इसको फिर उसको अब उससे पाल खिलाएंगे। अच्छा, वो जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला ब्रीडर है जी। कौन से नस्ल का ब्रीडर रखे? सिरोही का है, ये शुद्ध सिरोही का ब्रीडर है। इसी का भाई है, वो उसका भाई, वो जा रही है। ओ अच्छा अच्छा, तो जैसे ये ब्रीडर कितना आपके फार्म का है कि लाए थे? हमारे फार्म का है। आपके फार्म का है जी। अच्छा अच्छा, ये कितना महीना का है? ये हो गया 1 ईयर। 1 ईयर, 1 साल लगभग इसका हो चुका है। 1 साल में लगभग कितने केजी का ये हो गया है? बड़ा बड़ी मान के चलिए 25-30 के लगभग है। 25-30 के जी के है जी। इस सिरोही का ब्रीडर अच्छा होता है क्या? अच्छा होता है, सिरोही का ब्रीडर बेहतर होता है, ब्लैक बंगाल से ज़्यादा बेहतर होता है। ब्लैक बंगाल से, जैसे कि इसका इससे ब्रीड कराएंगे तो बच्चा ऐसा आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और अगर ब्लैक बंगाल से कराएंगे तो वैसा बच्चा आएगा, वो छोटा वाला आ जाएगा, छोटा वाला। अच्छा अच्छा, हमको ऐसा चाहिए ना कि वेट ज़्यादा हो, मुनाफा ज़्यादा हो, देखने में भी खूबसूरत लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमको बेचना है। अच्छा अच्छा, तो जैसे मैं शुद्ध, जैसे आप देख रहे हैं सिरोही है, शुद्ध सिरोही का बकरा बकरी से क्रॉस करवा के तैयार करना ज़्यादा बेहतर है या फिर ब्लैक बंगाल से सिरोही का क्रॉस करवा के जो आप ब्रीडर तैयार कर रहे हैं क्रॉस वाला, जैसे ये क्रॉस वाला हो गया, तो ये ज़्यादा बेहतर है? बेहतर ये है। अच्छा अच्छा, मतलब ब्लैक बंगाल से सिरोही वाला मेन है कि जैसे कि हमारे यहाँ का बकरी जी सिरोही नहीं है। अच्छा अच्छा, सिरोही का हम लाए यहाँ पर जी, एक बकरी उसको रखे, उससे बच्चा लिए, उस बच्चे को हम यहाँ पर रखे। अच्छा, अच्छा। और उस बच्चे को यहाँ पर प्रेग्नेंट करा के अपने रख रहे हैं, वो हमारे अथु में वातावरण में रह चुकी है। अब वो जो हमारे वातावरण में रह चुकी है उसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, न ठंडा, न गर्मी, न धूप, न ठंडा, कुछ बरसात होता रहता है, चरती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सालों भर चराई पर रहती है। जैसे धान पक गया तो खाने लगेगी घर पर, 2 महीना खाई, 1 महीना, इसके बाद फिर गेहूँ कटने लगा, फिर चराई पर। अच्छा अच्छा, मतलब मुख्य रूप से जैसे चराई पे ही आप रखे जी, हुए हैं। जी, जी। जैसे जिस वक्त सीजन नहीं रहता है चराई का, उस वक्त यहाँ पर खिलाते हैं। तो उस समय क्या खिलाते हैं यहाँ पे? उस समय चना का भूसा, अगर हमारे पास, देखिए हमारे पास जो अवेलेबल है। इसी कारण आपका देखे हैं कि फीडर का अभी यूज नहीं है तो आप रखे हुए हैं नॉर्मल। हमारे हमारे यहाँ जो हमारे पास अवेलेबल है वही इन लोग को हम देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बाहर से जैसे कि यूट्यूब में दे दिया कि चना का भूसा खिलाया जाता है, ये खिलाया जाता है। अच्छा, अच्छा। वहाँ से खरीद के लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या प्रॉफिट? राजस्थानी बकरी है, राजस्थान के घास लाएंगे। तो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ खेत पदार्थ से जो भी मटेरियल इन लोगों को खाने लायक हो जाए वही हम दे देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इन लोगों को ये धान का भी पुआल देते हैं कुटी काट कर। अच्छा अच्छा, और भूसा भी देते हैं गेहूँ का भी, दोनों खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें खरी और ये चना का चुनी आता है। अच्छा अच्छा, घर पर हम लोग का जो होता है तो हो जाता है, बाहर से थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं जी। ठीक, खरी इन लोग का चलता है। अच्छा अच्छा, और पखेव बनाते हैं हम लोग। पखेव क्या होता है? पखेव होता है कि जैसे कि गेहूं का दरिया दरा कर और उसको सिंझा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उन लोग को डेली पखेव खिलाते हैं, गेहूं का दरिया दरा कर सिंझा देते हैं, उसको खिलाते हैं जी। अच्छा अच्छा, पानी में डाल के पिलाते हैं। अच्छा अच्छा, हल्दी नमक इसको तो हमेशा पिलाते होंगे, जब चराई पर आती है तो ही रख पिलाते हैं। देखिए पिलाने वाला सालों भर काम है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, पखेव जो है जो गेहूं का दरिया बनाकर सिंझा कर तसले में उसको लिया कर डबरा में, 3 डबरे में रख देते हैं, पानी भर देते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें हल्दी गुड़ नमक 15 दिन में, महीने में 3 बार मीठा सोडा। अच्छा अच्छा, और महीना में मतलब 4 बार गुड़, महीना में 5-7 बार हल्दी, मतलब हल्दी तो 7-8 बार हो जाता है। अच्छा, हल्दी हमेशा देते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप 95 तक संख्या पूरा दिए थे जी, जी। तो फिर उतना बेच के सेल आउट कर दिए तो अब संख्या कम क्यों कर दिए?
कम इसलिए किए कि हम जो रखना चाहते हैं नमूना नमूना रखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे टोटल बेचे तो किसान आसपास के किसानों से बेचे हैं कि एक बार में? नहीं नहीं नहीं, हमारे हमारे यहाँ कोई एक बार में ले जाता है, आसपास के किसान जो भी आते हैं एक ले जाता है, कोई दो ले जाता है। अच्छा अच्छा, हम आज तक कभी भी चीक को नहीं बेचे हैं। चीक के आज तक नहीं बेचे? आज तक नहीं बेचे, एक भी नहीं। अच्छा अच्छा, जो बकरी बीमार रहती है वो लोग आता है खुद कहता है दे दो, हम कि नहीं दवा करेंगे सही होगी ठीक है, करके किसान को बेचेंगे। नहीं सही होगी ठीक है, रहेगी नहीं रहेगी भगवान की कृपा है चली जाएगी। अच्छा अच्छा, किसी का जो लिखा हुआ है वो तो हम रोक नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो जाएगी ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जैसा कि एक बात बताइए, जैसे आपके पास 95 की संख्या में थी, अभी तो कुछ कम कर दी है, 3 साल से बकरी पालन से आप जुड़े भी हुए हैं, तो बकरी पालन से टोटल आज तक ले आपने कितनी कमाई की है? देखिए पिछला साल हमारा कब से कब दो लाख के लगभग बेचे थे, 2 लाख का पिछले साल बेचे थे। अच्छा अच्छा, और इस बार भी हमारा 9 बच्चा तैयार हो गया है। 9 बच्चा तैयार हो गया है? जी जी जी। तो 95 बकरी थी तो 2.5 लाख में सब बेच दिए? जैसे कि 95 बकरी थी तो अब हमारा के बिक्री क्या होता है, जैसे आज एक बिका कल 5 बिका तो कल 2 बिका, हिसाब किताब नहीं रहा। मतलब एक मतलब कि एक साल भर का डाटा बता रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, 2 लाख का बेचे बेचे थे। अच्छा, 2 लाख, उससे पहले भी बेच चुके होंगे और। अच्छा 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 अच्छा, तो इस बार जैसे देख रहे हैं काफी छोटा छोटा बच्चा, लगभग कितना 9 बच्चा है? जी 9। 9 बच्चा तो हाल फिलहाल में ही आई है, 10 दिन के अंदर में ही टोटल है। जी जी, तो जैसे ये सबको तैयार कीजिएगा, ये सबको फिर तो पुरानका को बेच दीजिएगा। अच्छा अच्छा, जैसे कि हमारा कहना जैसा बोलता है कि जैसे कि छोटा ये हो गया देहाती बकरी जी, और हो गया ये ओरिजिनल वहाँ का सिरोही। अच्छा अच्छा, चलिए उसका क्रॉस कराएंगे। जी जी, रख सकते हैं। हाँ बच्चा दिया है तो उसको तो धूप में और नहीं रखना है। कल ही बच्चा दी है ना ये? अच्छा, ये कल बच्चा दी है ना? हाँ, है। इसको ये तो शुद्ध ब्लैक बंगाल है? नहीं, ये भी क्रॉस ब्रीड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लैक बंगाल सिरोही का क्रॉस है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला जो बनाए हुए हैं बच्चों को रखने के लिए बनाए हुए हैं? हाँ, वो बच्चे के रखने के लिए, जैसे बच्चे मार देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें टोटल बच्चों को उठा करके उसमें रख दीजिएगा? टोटल बच्चे को उठा के उसमें डाल देंगे। अच्छा अच्छा, चौकी वगैरह लगाए हुए हैं बच्चों के बैठने, बकरियों को बैठने के लिए, ताकि फार्म गीला होगा तो ऊपर बैठ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ मुर्गी वगैरह भी आप रखे हुए हैं, कौन सा? देहाती मुर्गी है। इसका कई गो बच्चा है? उसका 4-5 बच्चा देखने को मिल रहा है। इसका बच्चा हम दिए थे, इसको 12 अंडा दिए थे, जिसमें से 8 बच्चा निकाली थी। अच्छा, 8 का बच्चा निकल गया, 4 अंडा बेकार हुआ था जी। तो 8 बच्चे में 7 बच्चा बचा हुआ, 1 बच्चा बिलार खा गया, हम कहीं चले गए थे, अंदर नहीं किए थे। अच्छा 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 जी। अच्छा, बकरी पालन 3 साल से आप कर रहे हैं, गाय भी रखे हुए हैं, गाय कौन कौन सा नस्ल का रखे हैं? गाय एक रखे हैं सिंह वाली है, देहाती टाइप, देहाती वाली, गोकुला मथुरा। अच्छा अच्छा, और भैंस कौन सी है? भैंस मुर्रा है। मुर्रा कितना में खरीद के लाए थे? खरीद के नहीं लाए थे, पाड़ी लाए थे। अच्छा अच्छा, बच्चा लाए थे, शुद्ध मुर्रा है जी। अच्छा अच्छा, तो वो तो अभी बेचना चाहिए, अच्छा खासा दाम में बिक जाएगा, उधर लाख लाख रुपया 1.5 लाख में बिकता है मुर्रा। अभी बेचना नहीं है। अभी कितना दूध दे रही है मुर्रा? अभी वो बच्चा देगी। अच्छा, पहला बच्चा देने वाली है जी। अच्छा, पहला ब्याज देगी, उसको देखेंगे। अच्छा अच्छा, क्या है कैसे है जी, सही जी। अगर अथू को उतर गई। तीसरा जो गाय है इस साइड में बैठा हुआ है, वो कौन सा? ये भी क्रॉस में है, जर्सी का। जर्सी का क्रॉस है, वो कितना दूध वगैरह उसका? दूध उसका है बियात में 7 लीटर है। 7 लीटर अभी, अभी 5 लीटर दे रही है। अच्छा अच्छा, अभी 5 लीटर, 7 महीना हो गया बच्चा दिया। 7 महीना हो गया। और उधर वाला जो गाय है, उधर वाला जो गाय है वो भी जनवरी का बच्चा दी थी। अच्छा अच्छा, हमको लग रहा है सितंबर 9 महीना हो गया ना? जी जी, 9 महीना का लगभग हो गया, और वो आ गई है अब 3 किलो पर। 3 किलो पर देहाती तो थोड़ा कम देती है, 6.5 किलो। 6.5 किलो उस समय देती जी। अच्छा, बकरी पालन में इतने समय से आप हैं, तो बकरी पालन में क्या आपको लगता है बेनिफिट है? बेनिफिट है, सही से रखिएगा, ढंग से रखिएगा, अपने दम पर रखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फायदा है जी। नहीं तो मान लीजिए बड़ा प्रोजेक्ट बना दिए, लेबर रखे कराएंगे, ये कराएंगे। अच्छा, क्योंकि ये जीव है जी। जब आप अपने बच्चे को 5 मिनट नहीं छोड़ सकते हैं जी। आप कहीं जॉब करने जाते हैं, हमारी बीवी भी जॉब करने जाती है, तो एक घर में किसी को रखा जाता है पैसा पर कि बच्चे को देखभाल करें जी जी। उसी तरह से इन लोग का भी है जी। जब तक से टच में नहीं रहेंगे इन लोग के, तब तक से ये लोग खुश नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब रहना जरूरी है जी, इन लोग को देखना है नज़र से। अच्छा, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, छोड़ दिया, तो फिर दिक्कत आ जाएगा। मान लीजिए हम ही 30 बकरी रख दिए, एक लेबर छोड़ दिए, अपना हम घूम रहे हैं, चाहे दूसरा काम देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे, वो क्या खिला रहा है, क्या कर रहा है, कैसे पता चलेगा? अच्छा 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 अच्छा, डेली आएंगे देखेंगे, समझेंगे तब ना समझ में आएगा। सही है,
ट्रेनिंग हम किए हैं, हम समझ रहे हैं डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब चार साल पाँच साल रहेगा तब ना उसको समझ में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बकरी पालन में जैसे अचानक कोई लोग शुरू करते हैं, अब काफी सारी बकरियां ले आते हैं, तो उस तरह से ले आना सही है या पहले अनुभव ले लें? वो गलत है, वो गलत है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, पांच रखिए देहाती बकरी ब्लैक बंगाल, एक सिरोही रखिए, एक बरबरी रखिए और एक ब्रीडर रखिए जी, ठीक। तीन तीन छः पाँच तीन आठ बकरी, अच्छा अच्छा अच्छा, सात बकरी और एक बोका जी, इस पर आप चालू कर दीजिए जी, साल भर तक आप इसी पर करते रहिए, साल भर तक इसी पर करते रहिए, इसी पर करते रह जाइए, देखिए क्या होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे अच्छा हुआ, इससे ये अच्छा हुआ, साल भर के बाद फिर समझ में आ जाएगा आपको, आपका आपके पास साल भर में बच्चा हो जाएगा, पाँच ठो और दो सात ठो, सात बकरी में कम से कम साल भर में सात दुनी के चौदह, चौदह अट्ठाईस, चौदह सात दुनी सात बकरी है तो सात दुनी चौदह, चौदह दुनी अट्ठाईस, अट्ठाईस में मान लीजिए बीस बच्चा साल भर में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मर भी गया है, खराब भी है, कोई एक भी दी तभी मिला के तो बीस बच्चा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब इस तरह से अगर करे कोई किसान भाई तो बकरी पालन में फायदा हो सकता है। पेशेंस रख के, पेशेंस रख के।